नमस्कार, आप सबका स्वागत है। 27 दिसंबर को बॉलीवुड स्टार सलमान खान 51 साल के हो गए। 19 से 21 अप्रैल 2016 को मुजफ्फरनगर में हुई फिल्म सुल्तान की शूटिंग के दौरान सलमान खान की कथित गर्ल फ्रेंड लुलिया वंतूर भी उनके साथ रही थीं। हालांकि इस दौरान वो फॉर्म हाउस पर ही रुकी रहीं। शुक्रवार को दिल्ली लौटते समय वो कार में सलमान के साथ दिखीं। लुलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें वो किसी फॉर्म हाउस में बैठी दिख रही थीं। यही नहीं, उन्होंने लिखा था, लव इज ब्लाइंड। गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म सुल्तान की शूटिंग के दौरान सलमान मुजफ्फरनगर के किसी होटल नहीं बल्कि एक फॉर्म हाउस में ही रुके थे। इसके अलावा सलमान के साथ कार में दिखी लुलिया ने वही ड्रेस पहनी है जो कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की फोटो में पहनी थी। इसमें सफेद रंग का कुर्ता है जिस पर नीले रंग का डिजाइन बना हुआ है। यही नहीं, सलमान जिस फार्म हाउस में रुके थे उसकी लोकेशन लुलिया के पोस्ट किए गए फोटो में फार्म हाउस से काफी मिलती है। इन फोटोज की लोकेशन को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही थी, इस वजह से लोकेशन को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ था। कुछ इसे मेरठ तो कुछ दिल्ली की एक अनजानी जगह बता रहे थी। कुछ रिपोर्ट्स में तो फोटोज रणथंभौर राजस्थान की बताई जा रही थी। इन फोटोज में बीना काग भी नजर आ रही थीं। वे सलमान की ऑन स्क्रीन मदर थीं और मूल रूप से राजस्थान की ही थीं। सलमान कई बार उनके घर भी जा चुके थीं। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान और लुलिया की पहली मुलाकात रोमानिया में हुई थी। उन दिनों सलमान भाई सोहेल खान की फिल्म जय हो के लिए रोमानिया में लोकेशन तलाश रहे थे। इसी दौरान उनकी लुलिया से मुलाकात हुई, कुछ समय साथ बिताया और दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई। यही वजह है कि रोमानिया से लौटने के बाद भी सलमान लुलिया टच में रहे। सलमान और लुलिया का अफेयर लंबे समय से सुर्खियों में है। लुलिया को अक्सर खान परिवार के फैमिली प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते देखा जाता रहा है। फिर चाहे वे सलमान के फार्म हाउस पर प्राइवेट पार्टी हो या फिर हैदराबाद में उनकी बहन अर्पिता की शादी। पिछले साल सलमान के 50वें बर्थडे और न्यू ईयर ईव पर भी लुलिया सलमान खान की फैमिली के साथ उनके पनवेल फार्म हाउस पर थीं। इसके अलावा बिग बॉस के सेट पर सलमान के प्राइवेट कॉटेज में भी उन्हें देखा गया था। इतना ही नहीं, पिछले दिनों मीडिया में चर्चा यह भी थी कि सलमान ने लुलिया को ग्रे रंग की एक लग्जरी कार भी गिफ्ट की है।